जैसे कि आपको सभी को पता है हम एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने काजेज भी पढ़े थे और कुछ कंट्रोल्स भी पढ़े थे, कुछ डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था कि हम जो है जो आपके पार्टिकुलेट्स प्लूटेंट्स हैं उनको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो गैसियस प्लूटेंट्स हैं उनको जो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट डिवाइसेस, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है ना। कुछ ऐसे मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनसे हम जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, यूज पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो सबसे पहले जो है, अगर हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है पब्लिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्या करना पड़ेगा, उसको उसका यूज करना पड़ेगा। जैसे कि आपका रेलवेज आता है, आपका रोडवेज आता है, ठीक है ना। तो हमें जो है उसके बाद जो है इसमें जो है नेक्स्ट चीज क्या करनी पड़ेगी, हमें अगर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें जो है कार पूलिंग का जो है जो मेथड जो है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो कार पूलिंग क्या होता है, मान लो कि जो है हम किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो वहां पे जो है मान लो अगर हमें कहीं जाना जाना हो, सपोज हमें जम्मू जाना है तो मुझे भी जाना है, या मान लो कि मुझे भी जाना है और मेरे दोस्त को भी जाना है, जम्मू हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें जो है कार पूलिंग का मेथड जो है वो अपनाना पड़ेगा ताकि जो है लेस पोल्यूशन हो सके, ठीक है ना। तो कार पूलिंग क्या होता है कि जो है हम जो है कार शेयरिंग कर सकते हैं। मान लो कि मेरे पास भी कार है, मेरे दोस्त के पास भी कार है, वो भी जम्मू जा रहा है, मैं भी जम्मू जा रहा हूं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें जो है एक ही कार का जो है इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है ना। उससे क्या होगा, आपका जो है एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगा, एक चीज। दूसरी चीज जो है आपका जो मनी है वो भी जो है बच सकता है। तीसरी चीज जो है जो एनर्जी है वो भी बच सकती है, और इस तरीके से जो हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आप जो है मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से, ठीक है ना। एक और दूसरी जो है कार कूलिंग से भी जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन को, ठीक है ना। अगर हम शेयरिंग करेंगे कार्स का तो ठीक है, उससे क्या होगा आपका पोल्यूशन कम होगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी और आपकी जो है मनी भी जो है वो भी बचेगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात इसमें क्या बताई है, कंजर्व एनर्जी, ठीक है ना। हम जो है हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को कंजर्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर हम घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो वी शुड हमें क्या करना चाहे, अपने जो फैंस हैं, अपने जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी है उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं। उस फॉसिल फ्यूल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें क्या करना है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो वी शुड कंजर्व एनर्जी, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें जो है किस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, रिड्यूस का, रीयूज का और रिसाइकल का। जैसे कि हमारे पास जो है हम कोई चीज जो है खरीद के लाते हैं, ठीक है ना, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसको हम क्या करते हैं, हम फेंक देते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। हमें जो है उसको रीयूज करना चाहे, या उसको उसी चीज को जो है हमें वी शुड रिसाइकल। तो हमें क्या करना चाहे, उस चीज को हम रिसाइकल कर सकते हैं। अगर हम उसको क्या करेंगे, फेंकेंगे, तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो है वो क्या जो है एक जो है क्या बोलते हैं हानिकारक साबित हो सकता है, ठीक है ना। तो हमें जो है उन चीजों को जो है फेंकना नहीं चाहिए, हमें जो है उन चीजों को रिड्यूस करना चाहे, रीयूज करना चाहे और रिसाइकल करना चाहे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा जो है, यूज क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। तो अगर हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करना है तो हमें जो है ऐसी एनर्जी को जो है इस्तेमाल करना चाहिए जो क्या हो, इको फ्रेंडली हो, मतलब उससे जो है लेस पोल्यूशन जो है वो जनरेट हो। जैसे कि आपका जो है सोलर एनर्जी है, तो वी शुड यूज सोलर एनर्जी, अपने घरों में हमें भी यूज करना चाहिए, अपनी फैक्ट्रीज जो है वहां
वहां पे भी जो है हमें जो है सोलर एनर्जी का यूज करना चाहिए, जिससे जो है आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, ठीक है ना। दूसरी बात जो है इसमें जो है आपका विंड एनर्जी भी आती है, ठीक है ना। विंड एनर्जी को भी हम जो है क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, वो भी क्या है, एक इको फ्रेंडली है, ठीक है ना। उसके बाद जो है जियोथर्मल एनर्जी को भी हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है, पांचवा स्टेप में क्या बता रहा है, टाल चिमनी शुड बी इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज, जो हमारी फैक्ट्रीज हैं वहां जो है वी शुड इंस्टॉल, हमें क्या करना चाहिए, वहां पे जो टाल चिमनीज आती है, जो लंबी चिमनीज आती है, उनको जो है इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि हमारा जो एमिशन ऑफ गैसेस हो वहां पे जो है वो जो है उस एरिया में जो ह्यूमन बींग्स रहते हैं या दूसरी जो है दूसरे एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज रहती हैं, वो जो है वो उनके लिए जो है वो खतरे हानिकारक ना साबित हो, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वहां पे टाल चिमनी इंस्टॉल करनी चाहिए, और वो एनिमल्स और वो ह्यूमन भी जो है उस गैसेस से वहां पे जो है उनको हम बचा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, छठा पॉइंट क्या बोलता है, इसमें बोलता है बेटर डिजाइन इक्विपमेंट, जो बेटर डिजाइन इक्विपमेंट है उनको हमें जो है इस्तेमाल करना चाहिए अपने घरों में, अपने फैक्ट्रीज में जो है उनको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना, ताकि जो पोल्यूशन है वो कम हो सके, ठीक है ना। और हमें जो है ऐसे फ्यूल का इस्तेमाल करना चाहिए जो क्या हो, स्मोकलेस हो, मतलब जिनसे जो है स्मोक जो है धुआं जो है वो जो है कम निकले, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है, मोर ट्री शुड बी प्लांटेड, क्या बोलता है, हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्लांट जो है लगाने चाहिए अपने घरों के आसपास और अलॉन्ग जो है रोड साइड और घरों के आसपास जो है हमें क्या करना चाहिए, प्लांट्स को जो है लगाना चाहिए, ताकि जो है हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर्स थे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो होप यू ऑल गॉट इट, ठीक है। तो हम जो है कल जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक यू।